दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके माल्टा और स्विट्जरलैंड के बीच में खेले जाने वाला जो नेक्स्ट ड्रीम 11 ECC T10 का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम होंगे दोस्तों प्लेयर्स जिनकी जगह बन पाएगी हमारी टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए? 5 कॉन्टेस्ट, और कितने विन किए? 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों। ये हमारी टीम थी, ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों। 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम थी, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों? ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों? BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों। इमामुल हक को नहीं रखा था हमने, टॉप के सारे बॉलर्स को, और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम जीते थे ये मैच। ये देखिए हैरी स्ट्रॉफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में। अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रहे, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरी स्ट्रॉफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे जो कि है इस पे लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको दोस्तों, अगर हम अभी इस मैच के बारे में अपडेट आपको देना, सबसे पहले मैच पर हमको जाना है, उसके बाद चलना है क्रिकेट। तो अगर जिस पिच पर ये मैच होगा दोस्तों, ये पिच आपको कैसा है वो आपका अपडेट दे दें। पिच आपकी बैटिंग फ्रेंडली पिच होंगी, पेसर्स को ये पिच ज़्यादा मदद करती है दोस्तों, और 130 इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर आपको होते हुए दिखेगा कुछ इस तरह से। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से एज अहमद और मोहम्मद इदरासुल हक और डी पटनागर
एक एक टीम करके आपको बताते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से डी पटना अगर आपको खेलते हुए दिखेंगे, यहाँ से सी सुदर्शन आपको विकेट कीपिंग संभालते हुए दिखेंगे माल्टा की टीम से, यहाँ से बैटिंग की कमान संभालेंगे दोस्तों जैद खान, बी जॉर्ज ठाकुर से बी जो लास्ट के मैच में हमारे कैप्टन थे परफॉर्मेंस इनकी क्या है आपके सामने। जो लोग हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं उनको पता है कि कितनी तगड़ी हमारी परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर के एफ मुगल, प्रशांत और अमीर, ये तीनों आपको खेलते देखेंगे। मुगल और प्रशांत दोनों मेरे टीम में, प्रशांत को मैं अभी के लिए चलते ड्रॉप करके चलते, अब्बास और अरोड़ा को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा दोस्तों। क्यों नहीं करूँगा, अरोड़ा कितने ओवर बोलेंगे, दो ओवर कर रहे ना, हाँ दो ओवर करने वाले बोलर मेरे टीम में तो इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो अभी के लिए इन पाँच प्लेयर्स को मैंने रखा है, बाकी छठवा प्लेयर कौन होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा दोस्तों। देखते रहना पूरा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, आपको देखते रहना। तो स्विट्ज़रलैंड की टीम के बारे में बताने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो बाकी अगर हम अभी विकेट कीपिंग की बात करें, यहाँ से आपके एच अहमद और मोहम्मद इदरास उल्हाक आपको दोनों खेलते हुए दिखेंगे बैटिंग से, यहाँ से एच अहमद को अभी के लिए हम टीम में रखेंगे। बैटिंग सेक्शन से यहाँ से ओ महमूद और ए हुसैन और ए महमूद, ये तीनों खेलते हुए दिखेंगे मेरे टीम के बाद। फिर ओ महमूद मेरे टीम में आएंगे, ए महमूद को अभी के लिए मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, आई हुसैन मेरे ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं आज के मैच में। आई हुसैन को मेरी टीम में रखूँगा दोस्तों, अगर ट्रम्प कार्ड इनको मैं टीम में ज़रूर रखूँगा। ऑलराउंडर में एम शंकर राय, राणा और जय सिंह इन तीनों खेलते दिखेंगे, या तो एम शंकर राय की बात करिए ये मेरी टीम में ज़रूर आएंगे। यहाँ से जय सिंह आपको क्या करें, बॉलिंग नहीं करें दोस्तों, ये अगर ये बॉलिंग नहीं करते इनको मैं अपनी टीम में ज़रूर नहीं रखूँगा दोस्तों, या नया नया मेरी टीम में आएंगे। तो ये बन जाएगी अपनी टीम, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं अपडेट कर दूँगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो कैप्टनसी की अगर हम बात करें एक बार देख लेते दोस्तों, कैप्टन हमारे कौन होंगे, हमारे कैप्टन दोस्तों एम शंकर राय होंगे, वाइस कैप्टन अभी के लिए यहाँ से बी जॉर्ज को हम बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से वाइस कैप्टन मेरे चेंज हो के एफ मुगल भी बन सकते हैं वाइस कैप्टन, कैप्टन मेरे शंकर राय ये तो फिक्स है, वाइस कैप्टन में आप मुगल को बना सकते हो। अगर बना तो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।